Hello learners, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Today's lecture is all about median and mode. So before starting this lecture, please like this video and subscribe to commerce.com for valuable content. Let's just start this lecture. Median. So what is median? Median divides the data into two equal parts. Median एक positional average है और ये क्या करता है position के according, यानी कि जो पूरी सीरीज है उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, राइट? तो ये वाला जो साइड होगा लेफ्ट हैंड, या फिर हम ऊपर से नीचे की तरफ भी देख सकते हैं अगर आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग के, तो एक पार्ट होगा वो मीडियन से लेस होगा और जो दूसरा होगा वो मीडियन से मोर होगा, राइट? ये सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है क्योंकि ओके. अब स्टेप्स क्या है मीडियन को कैलकुलेट करने के? सबसे पहले हमें एवरेज निकालना, मतलब अरेंज करना होता है डेटा को, या तो असेंडिंग में कर लो या डिसेंडिंग में, क्योंकि हम पोजीशन के अकॉर्डिंग ही उन्हें मिडल टर्म देने वाले हैं, राइट? अगर वो जितने भी आपकी फ्रीक्वेंसी या डेटा है अगर आगे पीछे लिखा है उन्हें, या तो असेंडिंग में लिख लो या डिसेंडिंग में. देन अप्लाई द फॉर्मूला. अब यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज में जो फॉर्मूला लगता है, अगर ऑड है, ऑड मतलब नंबर ऑफ डेटा या ऑब्जर्वेशंस, अगर ऑड नंबर है जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से है, तो क्या लगेगा उनकी मिडिल वैल्यू, क्योंकि उन्हें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना. क्योंकि देखो अगर 3 डिजिट्स हैं तो हम उनका मिडिल वैल्यू आराम से बता सकते हैं, लेकिन अगर 2 है तो, 2 है या 4 है, तब क्या करेंगे? तब हम एन प्लस 1, यानी कि ये 4 डिजिट हुई, प्लस 1 अपॉन 2, क्या आएगा? यहाँ से आएगा हमारे पास 2.5. तो 2.5 पर जो डिजिट आ रही है उसे ही हम क्या मानेंगे, अपना मीन मानेंगे. तो इसको एक यहाँ पर देख लेते हैं, इस फिगर के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, 5, 8, 12, 14, 17 असेंडिंग ऑर्डर में है. अब यहाँ से हमने क्या किया, जो मीडियन देखा वो निकला 12, राइट? क्योंकि 12 क्या है, मिडिल टर्म है. अब डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अगर हमें देखना है तो डिस्क्रीट के अंदर क्या होता है, पहले हमें सीएफ निकालना होगा, यानी कि कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी. कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है वो देखते हैं. उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. इसमें भी फॉर्मूला वही है, लेकिन यहाँ हम डिजिट्स एक्स में ना देखकर कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग देखेंगे. सो यहाँ पर एक टेबल शो कर रखी है, इसी टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्या देखना है, पहले एक्स एंड एफ में सीरीज दे रखी है क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है. यहाँ पर 10, 11, 13, 15 एंड 16, ये सारी चीज़ें एक्स में, और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं. तो वहाँ से हमने क्या किया, एफ से ही हमने सी एफ निकाला, राइट? 5, 5 एंड 8, 13, फिर 13 एंड 12, 25, इस तरह से सी एफ कैलकुलेट हो जाएगा. और जो एफ होता है उनका सम होगा हमारा नंबर ऑफ आइटम्स, राइट? सो यहाँ पर एन की जगह ये 40 आएगा और आगे हम इसे सॉल्व करेंगे. तो क्या होगा, 14 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 41 अपॉन 2 हो जाएगा, और 20.5 आएगा. अब 20.5 यहाँ कहाँ पर आएगा, 25 के अंदर आपको दिख रहा है ना, क्योंकि 34 तो बड़ा हो जाएगा ज़्यादा, और अगर हम कम पे जाएंगे तो 13 है, इसलिए हम 25 पर इसे रख सकते हैं, राइट? सो 25 के सामने क्या है, 13, इसीलिए हमारा मीडियन क्या होगा, 13. नाउ इट्स क्लियर टू यू? ओके. यहाँ पर है कॉन्टीन्यूअस सीरीज. कॉन्टीन्यूअस सीरीज के अंदर आपको फॉर्मूला लिखना है, राइट? तो इसमें भी क्या होगा कि पहले हम सी एफ निकालेंगे जो भी सीरीज है उससे, और यहाँ पर रेंज दे रखी है, इसीलिए हमें क्या करना होता है, पहले n अपॉन 2 अलग से निकाला, सी एफ तो हो गया, और उस n अपॉन 2 के अकॉर्डिंग ही हम सी एफ देखेंगे. l1 होता है हमारा, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 137 कहाँ पर आएगा, 152 के अंदर. तो 152 के सामने ही जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगी, जैसे यहाँ 152 के सामने जाओ 21, राइट? 21, सो 21 हमारा L हो जाएगा. इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 7 का, तो I हो जाएगा 7, और बाकी सब चीज़ें हम एज इट इज पुट कर देंगे, राइट? सो फॉर्मूले में पुट करके आंसर हो जाएगा. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन.
मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पढ़नी होती है बेसिकली, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अब मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम मीडियन। अगर हम मीडियन से कोई डेविएशन निकालते हैं तो वो सबसे कम आता है। तो जो मैथमेटिकल या फिर अगर आप डेविएशन देखना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका डेविएशन सबसे कम आए, मतलब सबको ये लगे कि हाँ आपने डेटा अच्छे से कैलकुलेट किया है, अच्छे से आपने सैम्पलिंग की है, तो आप मीडियन से कैलकुलेट करो। वो आपको कैसे फायदा करेगा, क्योंकि उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम दिखेगा आपको, राइट। बल्कि मीन में सबसे ज्यादा दिखता है। तो यहाँ पर यही बात बताई है, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम मीडियन इग्नोरिंग, अगर हम साइंस को इग्नोर कर दें तो वो लीस्ट होता है, सबसे कम होता है। ओके, क्लियर टू यू? नाउ मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज डील विथ क्वांटिटेटिव डेटा। तो ये सबसे अच्छा होता है अगर आपको डेटा का एवरेज या डेविएशन निकालना है तो, राइट। ओके, सो अब यहाँ पर बताए हैं इन्होंने क्वार्टाइल के साथ इसके क्या रिलेशन है, फोर पार्ट्स में डिवाइड। अगर फोर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल क्या है, फोर पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो डेसाइल होता है 10 पार्ट्स वाला, एंड परसेंटेज आपको पता है 100 पार्ट्स वाला, राइट। यानी कि एक पूरी सीरीज को अगर 100 में डिवाइड कर दे तो परसेंटेज, एंड 10 में डिवाइड कर दे तो डेसाइल, एंड 4 में डिवाइड कर दे तो क्वार्टाइल। ओके, मीडियन कैन डिटरमाइन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, सो अब हम क्वार्टाइल्स की बात कर लेते हैं, जिनकी बात अभी हमने करी थी। तो द क्वार्टाइल डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी कि जैसे मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऐसे क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो देयर आर 3 क्वार्टाइल्स, तो तीनों में क्या होगा, जैसे ये चीजें हैं, तो यहाँ क्या होगा, द सेकेंड क्वार्टाइल जो होगा वो हाफ होता है। यानी कि ये जो सेकेंड वाला है ना, ये मीडियन ही बोल सकते हैं इसे हम, यानी कि Q2 इक्वल टू मीडियन ही होता है, क्योंकि यहाँ पर मीडियन भी इक्वल करता है सीरीज को और ये भी इक्वल करता है, राइट। ओके, जो फर्स्ट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर जैसे मीडियन में अपॉन 2 करते हैं, यहाँ पर अपॉन 4। और अगर हम थर्ड को देखें तो इंटू 3 कर दो, अगर 2 को देखना है तो इंटू 2, और बाकी सारा फॉर्मूला सेम, राइट। ओके, नाउ इट्स क्लियर टू यू, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, डेसाइल्स। तो डेसाइल्स का जैसे हमने देख लिया कि वहां पर पीछे भी बताया था कि 10 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो कितने पोर्शन बनेंगे, 9। ओके, सो उन्हीं में हम जैसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके हम इन्हें नाम दे सकते हैं। इसी तरह परसेंटाइल 100 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो 100 पार्ट्स में डिवाइड कर, और उसके भी क्या है, परसेंटेज बोल देते हैं हम इसे ही, हम पूरी एक सीरीज का एक पार्ट, राइट, 100 पार्ट्स में। सो नाउ अब इसमें ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है, सीधे आते हैं रिलेशनशिप पे कि एक P25 Q1 के इक्वल है, राइट। क्योंकि जो 25% होता है वो भी क्या होता है, पूरी एक सीरीज को 4 हिस्सों में बांट रहा होता है, चौथा हिस्सा होता है, ऐसे Q1 एक चौथा हिस्सा होता है पूरी सीरीज का। इसी तरह P50 D5 के भी इक्वल है, Q2 के इक्वल, एंड मीडियन के भी इक्वल है, राइट। सो ये एक छोटी सी रिलेशनशिप है जो हम वैसे भी मैथमेटिकली बता भी सकते हैं, राइट। ओके, मोड। नाउ मोड, अब मोड पर पढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि मीडियन की क्या क्या कमियां हैं, वो मैंने यहाँ नहीं लिखी है क्योंकि कॉमन ही है। हम इसे मीडियन इजी टू कैलकुलेट होता है, समझ में भी आ जाता है आराम से, लेकिन इससे हम एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, राइट। और इसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में भी अरेंज करना होता है, सो इट्स टाइम टेकिंग। तो ये सारी इसकी मेन मेन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो या मेरिट डीमेरिट्स बोल लो, ये चीजें हो गई, राइट। अब मोड की बात करते हैं। सो मोड इज दी मॉडल वैल्यू, जो कि अगर एक डिजिट है, मतलब एक पूरी सीरीज है, उसके अंदर जो चीज सबसे ज्यादा बार आ रही है। तो मैं इसको एक एग्जांपल से यहां पर देख लेते हैं। अब इस सीरीज के अंदर कौन सी चीज है, मतलब कौन सी डिजिट है जो
बार बार रिपीट हो रही है काफी बार। हाईएस्ट नंबर किसका है? 13 का। 13 12 बार है ना, यानी कि 12 times 13 रिपीट हो रहा है। और बाकी जो डिजिट है जैसे 10 5 times है, 11 8 times है, सो यहाँ पर अपना मोड क्या हुआ? 13। सो इट्स क्लियर टू यू? ओके, अब वापस चलते हैं मोड पर। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ? द मोड और द मॉडल वैल्यू इज द आइटम विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन अ डेटा। सो क्लियर है? व्हेन देयर आर टू और मोर वैल्यूज, और ऐसा ही मान लो वहां तो ठीक है कि 13 12 times आ रहा था, लेकिन अगर 10 भी 12 times आ रहा होता तो तब क्या करते? तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? इल डिफाइंड। तो हम वहां पर सीधे सीधे नहीं निकाल सकते मोड, तब क्या यूज करते हैं? तब के लिए होता है एम्फेरिकल मोड, यानी कि इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है मोड के लिए, यानी कि मोड इक्वल टू 3 median 3 into median माइनस 2 into mean, राइट? ओके, सो ये रिलेशन भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं तीसरी बार आपको बता रही हूँ इस पूरी सीरीज में। मेरिट्स और डीमेरिट्स, ये भी इजी टू कैलकुलेट है और इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है ये, लेकिन क्या है कि हमेशा जो मॉड की वैल्यू है वो ट्रू नहीं आती, और इससे हम एल्जेब्रिक जो भी हमारे ट्रीटमेंट करना है वो पॉसिबल नहीं होता हर बार, ठीक है? और ये सभी वैल्यूज पर भी डिपेंड नहीं है, जैसे कि मीन है उसमें सभी वैल्यूज को हम ऐड करते हैं और उसके बाद फिर नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। एक डिजिट जो सबसे ज्यादा बार आ रही है बस उसी को उठा लिया जाता है। ओके, सो ये इसकी कुछ डीमेरिट्स है। अब मोड यूज कहाँ होता है? मोड जैसे कि आप एक शूज है, किस टाइप का शूज बहुत लोगों को पसंद आता है, या फिर जैसे 7 नंबर का शूज ही बहुत बिकता है, तो यहाँ से एक मतलब अगर एक शॉपकीपर को कोई एवरेज या देखना है तो वो क्या यूज करेगा? मोड यूज कर लेगा, राइट? सो यहाँ इस तरह की चीजों में मोड का यूज होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इन आवर नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस रिलेशनशिप अमंग मीन मोड एंड मीडियन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे कनेक्टेड विद commerce.com।